लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को राज्य सीमा पर प्रवेश नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में हरि सिंह राजपुरोहित की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी ने बहस के लिए एक दिन का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 18 मई तक सुनवाई के लिए समय दिया है। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि आखिर बॉर्डर पर फंसे श्रमिकों को लाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। सरकार का जवाब प्राप्त हो गया था कल रात में और उसके बाद हाईकोर्ट ने विस्तृत रूप से सुनवाई की है। पिटीशन के चार इशू है। पहला, वो लोग हैं जो पैदल मूवमेंट करके राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए निवेदन किया गया है कि सरकार को ये निर्देश दिया जावे कि उनके लिए किसी प्रकार की एनओसी और पास के संबंधित जो फॉर्मेलिटीज है उसको खत्म किया जाए और बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है उस वहाँ पर उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करके सरकार वहाँ पर बसें लगाए और बसों से अपने गंतव्य पर पहुँचाए। दूसरा इशू, सरकार ने 30 अप्रैल को ये कहा था कि हम इंटर स्टेट बसेज लगाकर उन लोगों को लाएंगे जो प्रवासी है, लेकिन एडमिटेडली सरकार की रिप्लाई में भी ये आया है कि सरकार ने आज दिन तक कोई इंटर स्टेट बस नहीं लगाई है। तो हमने ये कहा है कि RSRTC और प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन दोनों से बात करके रीजनेबल किराए पर बसें लगाई जाए ताकि वो लोग अपने घर